नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित, एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपका शुक्रवार का मार्केट कैसा रहेगा, 13 मई 2022 का मार्केट कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु सभी प्रकार का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का जो है दैनिक प्रेडिक्शन ले सकते हैं, दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं और राशि फल जान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से शुक्रवार का आपका मार्केट काम करेगा, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आज सुबह मैंने आपको निफ्टी के लिए वीडियो दिया था और जिसमें बताया गया था कि मध्य की संभावना ग्रह स्थिति के अनुसार बन रही है, तो जो मार्केट था टोटल आपका मध्य हमें जो है देखने को मिली है और थोड़ा बहुत सुधार बिल्कुल नाम मात्र के लिए हमें देखने को मिला था, लेकिन टोटल मध्य की गणना जो बतलाई गई थी तो वह पूरी सही निकली। और इसके बाद जो है टारगेट भी दिया गया था निफ्टी में कि 15,861 और 15,771, ये दो टारगेट बैंक निफ्टी के लिए दिए गए थे कि इतना तक आपका मार्केट गिर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो टारगेट दिए जाते हैं वह सही निकलते हैं और यह सारी स्थितियां जो रहती हैं ग्रह स्थिति के आधार पर जो है आपको टाइम बतलाया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका शुक्रवार का मार्केट रहेगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत से लोगों के लिए राशिफल बड़ा सटीक बैठता है, तो आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आपका भला होता है, हमारे कार्यों से लाभ होता है। और अब हम देखते हैं, सबसे पहले पंचांग देखते हैं। तो कल शुक्रवार का दिन रहेगा, हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा शाम को 6:47 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और कन्या राशि कल पूरे दिन रहेगी। लेकिन दोस्तों, कल जो है बुध जो है पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, तो बुध भी जो है मार्केट को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। अब कल क्या स्थिति बना सकते हैं इसके बारे में ग्रह स्थिति के अनुसार मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले राशिफल देखेंगे। तो राशिफल में मेष राशि वालों के लिए जो है कल भी कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, इसीलिए लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो जाएं, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ का योग है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ मिथुन राशि वालों के लिए जो है कल लाभ का योग है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है, आप भी काम करके लाभ प्राप्त करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग है, आपको भी काम करके लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए हानि का योग ही निकल रहा है, संभल के काम करें। तुला राशि वालों के लिए हानि का योग है, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बन रहा है। इसके साथ जो है धनु राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है और कुंभ राशि वालों के लिए कुछ लाभ कुछ हानि का मिश्रित योग है, तो लाभ मिलते ही मार्केट से बाहर हो सकते हैं आप। इसके साथ जो है मीन राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग है, काम करके आपको लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह था आपका राशिफल। इसे आप अपनी जन्म नाम की राशि, चंद्र नाम की राशि से देख सकते हैं, लेकिन हमें सूक्ष्म गणना जो है अपनी जन्म पत्रिका से करवाना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपका मार्केट रहेगा। तो हम आपको एक निर्देश जरूर देना चाहेंगे कि हमारी जो भी गणनाएं रहती हैं ये सारी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे आधारित रहती हैं। जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट का रुख जरूर देखें, अपने स्वविवेक का उपयोग जरूर करें और इसके साथ ही आपको जो है मार्केट में काम करने से पहले मार्केट का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है निफ्टी में। अब अगले मंथ जो है मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में पूरे महीने भर की जो है डिटेल बतलाऊंगी, ऐसे रोज़ वीडियो आपको दिए जाएंगे। यह मंथ जो है निफ्टी के लिए है और इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि जो आज आपका मार्केट चला, तो जो निफ्टी बंद हुआ था आज 15,808 पे ये बंद हुआ था और लो गया था 15,735 और हाई गया था 16,041। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आज का जो मार्केट रहा पूरा डाउन की स्थिति में ही चला है। और कल क्या स्थिति बन सकती है, तो ग्रह गणना के अनुसार
जो है कल आपका मार्केट जो आज बंद हुआ है इससे कम 15,700 के आसपास जो है ओपन हो सकता है, और इसके साथ फिर जो है आपका मार्केट में जो है डाउन की स्थिति बनेगी, और इसके साथ कल भी मार्केट डाउन देखा जा सकता है। तो कल भी आपको संभल कर काम करने की ही ज़रूरत है, और इसके साथ जो टारगेट रह सकता है कल भी लगभग 150 से लेकर के लगभग 275 पॉइंट के बीच में काम के योग बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आप यह देख सकते हैं मार्केट को, और यह टारगेट मैंने ग्रह स्थिति के आधार पर आपको बतलाया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले महीने आपका मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल किस प्रकार का रह सकता है इसका वीडियो मैं देने वाली हूँ, उसे भी देखना आप ना भूलें। धन्यवाद।